So after visiting the beautiful city of Kochi in Kerala, I headed towards Kottayam, which is more of countryside part of Kerala. And it's near the famous tourist spot, which is known as Alappi or Alappuzha. मैं यहाँ पर इसलिए आया था because one of my best friends whose name is Joe, उसका ancestral home यहीं पर था and he was kind enough to invite me over and show what countryside Kerala looks like and वहाँ की life कैसी है and वहाँ क्या-क्या experiences हम कर सकते हैं जो कि वहाँ के लोगों के लिए normal है but हमारे लिए काफी अलग है। मेरे लिए वहाँ पहुँचते ही सबसे astonishing चीज थी उसका घर। वहाँ पे पहुँचते ही ऐसी वाइब है कि तुम जंगल के बीच में किसी एक रस्टिक रिजॉर्ट में पहुँच गए हो, विच इज जस्ट नियर अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम एंड इन द मिडल ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। एनी जो इतनी खेती हो रखी थी, मैंने इस सब का ज्ञान लेने के लिए छोटे छोटे भाई को पकड़ लिया। ये पूरा एंटो का घर है। ये पूरी जगह एंटो के घर की है। ये इरिम्बमपुली है। क्या? बहुत ही हट्टा है इरिम्बमपुली। हाँ, ये क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, खा के देखो आप, मजा आ जाएगा। अरे बहुत बढ़िया ना, कह रहा था ना भाई, बहुत टेस्टी है भाई, खाएगा? तोड़ 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 सारे तोड़ ले। नाशपाती जैसा है ये बहुत टेस्टी चीज है। क्या है ये? रबर का पेड़। अच्छा। जो रबर होता है ना, हाँ, वो इस पेड़ से निकालते हैं। हाँ, कैसे? इसमें जो सांप होता है वो व्हाइट कलर का होता है। हाँ। तो सुबह सुबह लोग आते हैं 3 बजे, इस पे रात होती है भाई, वो रात होती है। हाँ, मतलब रात को आते 3 बजे आके कट मारते हैं। हाँ। तो यहाँ से जो रबर का मिल्क है वो निकलता है और इसमें ड्रिप होता है। ये देखो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है। और उसके बाद ये वो जो मशीन लगी है। हाँ। उस मशीन में ये शीट बनता है। हाँ। और फिर बेचते हैं। तो ये मिल्क क्या एकदम दूध जैसा ही निकलता है? व्हाइट व्हाइट। उसे पी सकते हैं? नहीं, वरना गले में खींचेगा। हाँ, सूखता है ना ये, क्योंकि ये देखो भाई, तो नारियल के अंदर का वो लग रहा है एकदम। बिल्कुल बढ़िया था ना। ओह फक, बिल्कुल रबर की तरह। हाँ, तो रबड़ी है। रबर की तरह क्या, रबर ही है। ये घर में कॉफी प्लांट भी है भाई। ये रहे सारे दाने। सब स्टारबक्स दो, ये सब छोड़ो, यहाँ आओ, ताज़ी ताज़ी निकालो, घर पे बना के पी जाओ सस्ते में। रबर पूरी सूख के निकल चुकी है और इट्स रेडी टू बी सोल्ड। एंड नाउ इट वाज टाइम टू डू द मोस्ट क्लीशे केरला थिंग। नो, नॉट लुंगी डांस, बट फिशिंग। नाउ लेट मी शो यू हाउ फिशिंग इज डन इन केरला स्टाइल। मैन आ गए। वी कैच फिश। क्या बात है भाई, दिस इज कंट्री साइड लाइफ भाई। कैसे मिचल रहे हैं भाई? खा सकते हैं ना? हाँ हाँ, कुछ खा सकते भाई? मजाक का भाई, तो बिल्कुल नहीं खा सकता यार, इनको तो कैसे पूछता है यार। तो फर्स्ट टाइम मैंने से खुदाई करके बॉम्ब निकाले हैं हमें। मेरा बिगिनर्स लक कहो या क्या कहो? मिट्टी की खुदाई। मिट्टी की खुदाई, ऑफ कोर्स भाई। पर बिगिनर्स लक कहो या क्या कहो, बहुत सारे निकल गए, बहुत सारे, और बड़े बड़े भी निकले अच्छे खासे। मैगी समझ के खा लो भाई, सारे चिपक गए। गाइस, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस, बट दिस इज ग्रॉस फॉर मी टू, बट ये इसमें शर्म नहीं है। एंड देन देयर इज नथिंग मच यू कैन डू। अब जो छोटी मछली होंगी ना, उनका मुंह के अंदर ये पूरा पूरा आएगा नहीं, तो तू वो लोग आके जब मुंह में डालेंगे, रुक रुक रुक, मैं तेरा सॉर्ट करके देता हूं। ट्राई करता है, नहीं आएगी, मैं तेरे को बता रहा हूं। 2 seconds later। लकी 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 लकी, गिर जाएगा वापस ले पानी में गिरेगा। बस 100 मील भाई, 100 पहले 1 second नहीं लगा भाई तेरे को। 1 second में बच्ची। बिगिनर्स लक भाई, मैं अपनी सारी फिशिंग एक्सपीरियंस को अब क्वेश्चन कर रहा हूं। कुछ है, कुछ बना, कुछ बना। क्या हुआ? मॉनिटर लिजर्ड। तू जा क्यों रहा है? मैंने काफी बड़ा मॉनिटर लिजर्ड देखा, बट वो निकल गया, मैं कैमरे पर कैप्चर नहीं कर पाया, अंदर घुस गया वो। मैंने देखा जो उन्होंने देखा, करो तो नवा पड़ा था। और फिर एक ओजी अंकल है हमें फिशेस पकड़ने में हेल्प करी।
I've been on a roll, I've been taking toll. I just wanna roam, I've been running from them bad days, trying to take it slow. अभी सारी बच्ची हम घर पे लाके फ्राई करके खाएंगे. ब्यूटीफुल. जो बता रहा था क्योंकि अभी जनवरी है तो अभी सीजन नहीं है ये सब मछली वगैरह का, कि मॉनसून के टाइम पे बहुत मछली आती है. वो बता रहा था कि यहाँ पे जहाँ पे हम अभी फिशिंग कर रहे हैं ना, यहाँ बहाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ फ्लो इतना ज़्यादा होता है, डेप्थ इतना ज़्यादा होता है, कहता है ऊपर ज़मीन तक सारी मछलियाँ होती हैं. और ये जैसे नेट में डाल के पकड़ रहे हैं ना, कह रहा इतनी सारी फिशेज और इतनी बड़ी बड़ी फिशेज आती हैं और इतनी सारी होती है कि उठाना मुश्किल आता है. दो तीन लोग मिल के उठा के ले जाते हैं सारा वो नेट को. कह रहा अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बट मानसून के टाइम आओगे तो यहाँ नज़ारा ही अलग होगा. मतलब मछलियों का भंडार होता है, भंडार बुरा हाल होता है मछलियों का. नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द फूड ईटन इन लोकल केरला हाउस होल्ड. इफ यू आर अ वेजिटेरियन देन तुम्हारे लिए थोड़ा टर्न ऑफ होने वाला है, बट अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो देन ये स्टेट तो तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत. बस मैं अभी दिखा देता हूँ कि हमारी यूजुअल मील्स कैसी कैसी होती है. This is Kerala ka chawal, this is some machi, this is rabbit and this is some machi. Bobby, kaun si machi hai? Chili. Aur ye? Scrambled fish. Main nahi khila raha, like he specifically requested me to get this arranged. So all the blame is on him. I'm a vegan. Oh, you're a vegan. This is duck, this is parota, this is chicken, this is boiled karimim fish, this is fried fish jo Sharon pe pakdi thi. This is rabbit. Oh, bhai saab. Lavish me. एंड ऑल्सो केरला में पीने का कल्चर भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ की जो लोकल फेमस ड्रिंक है इट्स कॉल्ड टॉडी. नाउ टॉडी इज मेड यूजिंग द सैप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पाम ट्रीज एंड दिस इज हाउ वी ड्रिंक टॉडी इन केरला. दिख रहा है तेरे को? ओ हाँ. जा सामने जा, जी ले अपनी जिंदगी. पक्का गिरने वाला गाइस, ये इसको पता नहीं है, बहुत ही गलत काम के लिए भेजा. हाँ इसलिए तो मैं खुद नहीं जा रहा था. कोई गैप क्या बच रहा है? अबे पर पैर फिसल रहा है ना हमारे पास आ रहा है अंदर. उसको कछुए को पकड़, उसके शेल से पकड़ भाई. इसके बहुत बड़े रेंज है. हाँ कुछ नहीं करते, वो पहुंचेगा ही नहीं, वो कभी इससे बाहर निकल ही नहीं पाता. आ जा. बड़ी मछली उसे खाएगी. बड़े बेचारे टर्टल ने खा लिया, उसको मैं अटक गया. अब हमने शायद किसी को बुला रहे हैं, वो आएंगे उन्हें निकालेंगे ताकि ये मरे ना, फिर हम उसे छोड़ दें वापस पानी में. सांप 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 गया, गया अंदर, गया अंदर, गया. इन डेढ़ दिनों में कितने जानवरों से पाला पड़ गया और कितने को खा भी लिया. अब ऐसे देखा जाए तो केरला में मेजर दो बड़ी सिटीज हैं, एक ट्रिवेंड्रम और एक कोची. उसके अलावा ऑलमोस्ट पूरा केरला ऐसा ही है. मतलब देर आर 44 रिवर्स इन केरला. तो तुम्हें ऑलमोस्ट किसी भी पार्ट में जाओगे केरला के, तो वहाँ तुम्हें स्ट्रीम्स और रिवर्स और कैनाल्स मिलती ही जाएंगी. एंड यहाँ पे प्लांटेशन इतनी ज़्यादा है, मतलब बीट रबर प्लांटेशन, कोकोनट ट्रीज, पाम ट्रीज, बनाना ट्रीज. सो ऑलमोस्ट हर जगह तुम्हें ये कंट्री साइड वाइब तो मिलनी ही मिलनी है. कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ मैंने कुछ घूमा ही नहीं, एक्सप्लोर ही नहीं किया. But this experience itself was much, much bigger and better than any exploration trail. यहाँ घर पर रह के लोकल केरला के लोगों की लाइफ देखना, उनकी यूजुअल एक्टिविटीज करना, वो जो खाते हैं वो उनके साथ खा रहा, एंड जिन सब प्राणियों के बीच वो रहते हैं उन सब के बीच चिल्लो के रहना. All this was very new and fun for me. And honestly, मेरी पूरी केरला ट्रिप के बेस्ट मोमेंट्स आई थिंक कोटेयम से ही है. And I'd wish more people to visit such countryside parts of different states of our country to experience what local life tastes like. I'm sure ek काफी अलग और fun experience होगा. So till the time you embark on your journey to experience the local life of Kerala or any other place, travel more, meet new people more, talk to people more, अपने गाने सुनाओ, उनकी स्टोरी सुनाओ, हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, क्योंकि क्या पता कल होना हो.